हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं कि अंतरिक्ष में जो भारत का क्या अंतरिक्ष स्टेशन है, इनके बारे में जानने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि अंतरिक्ष में कितने स्पेस स्टेशन बने हुए हैं, इनके भी बारे में जानेंगे। तो आइए समझते हैं। स्पेस स्टेशन अंतरिक्षयान होता है, इसमें चालक दल रह सकते हैं। इसको इस तरह डिजाइन किया जाता है कि इसमें लंबे समय तक कोई रह सकता है। हम बात करें ISS के बारे में, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसकी स्थापना 1998 में की गई थी। इसे धरती की लोअर ऑर्बिट में स्थापित किया गया था। अगर हम बात करें भारत के स्पेस एजेंसी के बारे में, क्या भारत में स्पेस एजेंसी बन पाया है, तो हम आपको बता दें भारत में अभी बनने वाला है। तो अगर बात करें भारत की स्पेस स्टेशन 20 टन का होने वाला है। अगर हम बात करें IIS के तुलना में, यानी इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी के तुलना में, इनसे हल्का होगा। और भारत में जो स्पेस स्टेशन बढ़ रहा है, इनका इस्तेमाल माइक्रोग्रेविट के लिए किया जाएगा। भारतीय स्पेस में 20 व्यक्तियों की रहने की व्यवस्था होगी। यह बात करें भारतीय स्पेस स्टेशन के बारे में, तो यह धरती से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा। और भारत का स्पेस स्टेशन का निर्माण इसरो और स्पेड एक्स कर सकते हैं। अगर भारत में यह टेक्नोलॉजी बन जाता है, अगर स्टेशन बन जाएगा, तो इसके जरिए स्पेस स्टेशन के जरिए एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन यात्रियों को, अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जा सकता है। प्रश्न यह भी उठता है कि भारत में स्पेस एजेंसी कब बन जाएगा, तो हम आपको बता दें भारत के स्पेस स्टेशन 2030 में होने की योजना थी, लेकिन बीच में कोविड आ जाने के कारण यह योजना 2035 तक कर दिया गया है। हम बात करें ISS के बारे में, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में, इसमें 18 देश शामिल हैं, यानी रूस और अमेरिका से लेकर 18 देश इसमें शामिल हैं। इन सभी देशों ने मिलकर धरती से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तो इनको स्पेस स्टेशन को बनाया गया है और 1998 में इसको स्थापित किया गया था। अगर बात करें कि वर्तमान में कितने स्पेस स्टेशन है अंतरिक्ष में, तो हमको बता दें पहले नंबर पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और दूसरे नंबर पर चीन का पियोंगयांग 2। अगर हम बता दें 2011 से ISS ने अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही है। फिलहाल में ISS में 3 लोग रहते हैं, यानी अंतरिक्षयान में 3 लोग रहते हैं। आगे इसकी क्षमता बढ़ाकर 6 की जाने वाली है। तो आपको यह जानकारी कैसे लगी? क्या भारत देश को भी जल्दी स्पेस स्टेशन बनाना चाहिए? क्या 2035 से घटाकर कुछ कम नहीं करना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ये मेरा जानकारी कैसा लगा, जानकारी पसंद है तो लाइक और शेयर करना भूले। अगर मेरे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करना भूले। मिलते हैं स्टूडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।